जय उत्तराखंड, वैष्णव मोटर में आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड से। प्लान पर बात करने वाले और सरकार प्लान की नीति बनाने वाले, सीखे कुछ सुंदरा प्रोडक्शन से। जी हाँ, देखिए क्या कहते हैं सुंदरा प्रोडक्शन वाले। मैं इस वक्त हूँ डुंगरी में और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जन प्रतिनिधि और जिनकी जो नीतियाँ नहीं बनी अभी तक, और हमारे उत्तराखंडी बार बार प्लान की बात करते हैं या रोजगार की बात करते हैं, लघु उद्योगों की बात करते हैं, लेकिन जब कभी कोई हमारा भाई या कोई अपना भाई बंध हमारा पहाड़ों में कोई इंडस्ट्रीज लगाता है या कुछ काम करता है, हम उसको सहयोग भी नहीं करते। काफी समय से मैं देख रहा था सुंदरा प्रोडक्शन का, यहाँ पे काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारी पहाड़ी ही प्रोडक्ट से बनता है। ग्रास का जूस हो, अचार हो, मंडवे का हो या कुछ भी चीज हो, लेकिन अब धीरे धीरे सुंदरा प्रोडक्शन अपनी मेहनत अपने ही दर पे मार्केटिंग करते करते आज इस तरह के भी प्रोडक्ट बनने लगा है, जैसे शुगर फ्री है या कई चीजों के लिए बनते हैं। हम आज वहाँ पे आए हुए हैं और देख रहे हैं यहाँ का पूरा जाजा कि यहाँ से कैसे माल कहाँ से खरीदा जाता है, कैसे उसका फूड प्रोसेसिंग होता है, कैसे वो पैकिंग होता है और कितनी वो मेहनत कर रहे हैं, जबकि हम लोग दिल्ली में चलाते हैं, लेकिन इन चीजों को हम बखूबी बढ़ावा नहीं देते हैं। सरकार की नीतियां, बिना सरकार के सहयोग, बिना उसके ये अपना दम पर यहाँ पे काम कर रहे हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि मतलब किस तरह से यहाँ का युवा यहाँ पर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है हमारे सुंदरलाल भाई। हम सुंदरलाल भाई से पूछते हैं सुंदरलाल जी से कि कैसे वो यहाँ पे और क्या क्या प्रोडक्ट उनके होते हैं, कैसे वो प्रोसेसिंग करते हैं और माल कैसे लाते हैं। देखिए इनका अभी मार्केटिंग देखें तो बहुत ज्यादा अभी इतना पॉपुलर नहीं है। हम लोग जो इनसे जुड़े हैं, चकबंदी हो या जो जनसरकार से जुड़े हैं, वो लोग तो जानते हैं इनको, लेकिन वो माल को किस तरह से अपनी गाड़ियों से खुद ही मार्केटिंग करना, ढूंढना, कितनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम कोई उनको सहयोग दे नहीं पा रहे हैं। मैं अपने जितने भी NRI जो है हमारे दुबई में है, ऑस्ट्रेलिया में है और कनाडा में है, मैं चाहूंगा कि वो इन चीजों को यहां से देखें और हम इनसे बात करते हैं और इनका नंबर, इनका फोन नंबर हम फ्लैश करेंगे अपने न्यूज चैनल पे और आप इनको थोड़ा सहयोग दीजिएगा, बताइएगा क्या कैसे कर सकते हैं। सुनील भाई, काफी टाइम से जानते हैं आप, ऐसा नहीं है कि लोग उद्योग कर रहे हैं, इसके अलावा सामाजिक काम भी करते हैं और इतने बड़े जनसरकारों से जुड़े होने के बावजूद आपको इतनी बड़ी मार्केटिंग अभी नहीं मिल पा रही, जिस तरह से आप दिहाड़ी देते हैं, लेबर लगाते हैं, माल को खुद उठा के लाते हैं, उसको कैश देते हैं, उसके बाद माल बिके ना बिके वो लॉस आपका भी होता ही है उसमें, ये तो हम भी जानते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केटिंग करना, इतना सामान कच्चा माल उठा के कैश पे लाना और फिर इसको वितरण करना बहुत बड़ी दिक्कत आती है, कैसा लग रहा है आपको उसमें? जी हम लोग पूरे पहाड़ में और जो पहाड़ों में कच्चा माल होता है, जिसमें कि जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया, मिर्ची हो गई, बुरांस का फूल हो गया, माल्टा हो गया, नींबू, गलगल और तमाम चीज जो पहाड़ों में हो रही है, हम उन्हीं का प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उस कच्चा माल खरीदने के बाद हम उसे पक्का बना के मार्केट में दे रहे हैं, और जिससे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, जिसमें कि सरकार से भी हमारा ये रोष है कि सरकारें ये राज्य स्थापना दिवस पर रविवार कार्यक्रम कर रही हैं और रविवार कार्यक्रम में NGO के लोगों को बुलाया जा रहा है, जो बहुत दुखद है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे जैसे कई युवा, चाहे कोई मशरूम का काम कर रहा हो, कोई फूड प्रोसेसिंग कर रहा हो, कोई चक्की लगा रहा हो, लेकिन हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकारों में भी हमारे यहाँ पर्वतीय उद्योग नीति थी और पर्वतीय उद्योग नीति के तहत पहाड़ों में मिनी इंडस्ट्री एरिया थे, जिसमें कि इस क्षेत्र का मिनी इंडस्ट्री एरिया जो था वो शूसी और मझगांव में था, साल्ट अल्मोड़े का भिक्या सैन के पास एक जगह है वहां पे था, लेकिन राज्यपाल के इन 19 सालों के बाद भी, और हमारा राज्य स्थापना दिवस आ रहा है परसों 9 तारीख को, तो मैं राज्य स्थापना दिवस की अपने प्रदेश के मुखिया जो सरकारों को चला रहे हैं, अपनी सरकारों को बधाई दूंगा। जनता को तो क्या देना, जनता तो अपने सामने है, लेकिन मैं इन सरकारों को बधाई दूंगा कि ये हमारे मुखिया बने हैं और जो 42 आदतें इस प्रदेश में हुई हैं उनकी बदौलत, और आज का जो युवा है जिसके लिए स्वरोजगार रोजगार की बातें कर रहे हैं वो सब खोखली है। जो रविवार कार्यक्रम है वो सिर्फ और सिर्फ या तो भाजपा सरकार के लोगों के लिए या आप लगाइए कि NGO के लोगों के लिए। हमारा ये भी मानना है कि पूरे प्रदेश में जहां जहां भी छोटे छोटे उद्योग हो रहे हैं उनके लिए मिनी इंडस्ट्री एरिया होना चाहिए और जो पर्वतीय उद्योग नीति 2008 बनी है उसका पालन करना चाहिए, और ऐसा ना हो कि सूचना के अधिकार के तहत अब हम लोग मांगेंगे, हम लोग क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं और हमारे कोई जैसे इनका गढ़वाल कुमाऊं ऑफ चैंबर है, ऐसे पहाड़ के छोटे उद्योगपतियों का कोई भी संगठन नहीं है, हम उसको बनाने की सोच रहे हैं और मैंने एक प्रयास किया भी था, मैंने उत्तराखंड लघु उद्योग प्रोत्साहन समिति करके एक समिति बनाई थी जिसमें बहुत सारे लोग तो नहीं जुड़ पाए, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अब भविष्य में कहे गांव में कोई चक्की या घराट चला रहा हो वो भी पहाड़ का उद्योगपति है और मैं उसको जोड़ने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद मैं सरकार से सूचना के अधिकार के तहत मांगूंगा कि उत्तराखंड के 13 जिलों में, बल्कि 11 जिलों में कहिए आप कि 11 जिलों में जो पर्वतीय जिले हैं उनमें कहां मिनी इंडस्ट्री एरिया है और 2008 जो उद्योग नीति बनी है उसका कहां पालन हो रहा है।
ये बहुत बड़ी विडम्बना है। जैसे कि अभी कहा कि मतलब स्थापना दिवस दिल्ली एनसीआर के लोगों की अगर स्थापना दिवस मनाए तो देखना अभी 9 तारीख को जो स्थापना दिवस आ रहा है दिल्ली में उन लोगों को बुलाया जाएगा जो उत्तराखंड के खिलाफ थे, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या आपके या वहां के पार्षद। उत्तराखंड के किसी आंदोलनकारी से उनका कोई सरकारी नहीं है, ना उनके परिवार को सम्मान मिलता है, ना उनके फैमिली जो अगर नहीं है उत्तराखंड के जो सालते हैं ना उनके परिवार को बुलाया जाता है। क्यों यही बात कर रहे हैं कि कई लोगों का यहाँ उत्तराखंड के अंदर कहना यह भी है कि हमको पहले उत्तर प्रदेश में ही अच्छे थे, तो जब जिनको उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए था वो शासन कर रहे, या तो ये कारण है कि उत्तराखंड चाहिए नहीं था इसलिए या तो वो नीति नहीं बना पा रहे हैं। इस तरह की हम मनीष भाई से जानना चाहिए, मनीष भाई की ये जो प्रोडक्ट है आप हमें एक एक करके बताइए और क्या क्या इनमें मतलब हम लोगों को स्वास्थ्य और पढ़ाई प्रोडक्ट में क्या क्या आप बना रहे हैं वो आप थोड़ा समय दिखाने की कोशिश कीजिएगा जी। हम लोग ये बुरांस का जूस बना रहे हैं और ये बुरांस का जूस ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के साथ साथ आप ये मानिए कि ये हार्ट के लिए, यूरिन के लिए, पाइल्स के लिए, ल्यूकोरिया के लिए रामबाद औषधि है ये बुरांस का जूस, और जिसको कि हम लोग बड़ी मात्रा में बना रहे हैं और अपने साधनों से इसको मार्केट भी दे रहे हैं। इसके साथ हम लोग ये माल्टा पहाड़ में जो किन्नू, जैसे शहरों में किन्नू, पहाड़ में एक प्रजाति, इसी की प्रजाति का एक फल होता है माल्टा, तो माल्टे का भी जूस बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग आंवले का जूस बना रहे हैं, जूस है, और ये जो जंगली आंवला होता है पहाड़ में इसको हम 700 से 800 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं, और जिससे कि जो गांव का काश्तकार है उसको भी अपने मेहनताना पूरा पूरा मिल रहा है। ये जंगली फल है और ये एक तरह से बेकार जाता है, जब से मैंने ये यूनिट यहां लगाई है तब से लेकर हम लोग बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं लेकिन जितना कर पाते इसको कंज्यूम ही कर पा रहे हैं, है ना। माल्टा भी हम 700-800 रुपए क्विंटल ले रहे हैं, बुरांस का जो ये वो लेते हैं हम तो वो भी 300 रुपए, 250 रुपए, 400 रुपए देने के बाद हम लोग वहां तक भेजते हैं। ये मिर्चे हैं, ये पहाड़ी मिर्चे हैं, ये जो हमारा नैनी डांडा विकास खंड है और इस नैनी डांडा विकास खंड इस मिर्चे हैं ये यहाँ, ये नैनी डांडा विकास खंड और ये सल्ट जो ये अल्मोड़े का सल्ट है और ये पौड़ी गढ़वाल का लास्ट ब्लॉक है नैनी डांडा, इसके ये सीमांत क्षेत्र है और इसमें एक प्रकार की ये मिर्चे पाई जाती हैं जिसको कि लखोर मिर्च के नाम से बड़ी। तो हमारा कहना ये भी है कि जब एमडीएच की देगी मिर्च और तमाम तरह का बिक सकता है तो पहाड़ की ये लखोरी मिर्च भी उत्तराखंड में फेमस हो सकती है और ये बड़ी तेज लगने वाली मिर्चे है और इसके पैदावार इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर सरकार प्रयास करे तो अपने स्तर से भी सरकार इसको पैदा करवा सकती है, नहीं तो कम से कम इसको बेचने का और खरीदने का, लेकिन इसके साथ साथ इसके लिए आपको क्रय विक्रय केंद्र भी खोलने पड़ेंगे, सरकार के क्रय विक्रय केंद्र हो पहाड़ों में जिसमें कि हमारा ये मिर्चें हो गई, चौलाई हो गई, हमारा सोयाबीन हो गया, हमारे भट्ट हो गया, हमारा झंगोरा हो गया, मंडवा हो गया, और तमाम के लिए जो हमारे, मैं तो मेरा तो एक अपना व्यक्तिगत मानना भी है कि जो हमारी ये समितियां हैं इनको, क्योंकि ये सब गांवों में है, सब न्याय पंचायत स्तर पे है, तो इनको क्रय विक्रय केंद्र बना देना चाहिए और इसका क्रय विक्रय केंद्र होगा तो इसका समर्थित मूल्य होगा, समर्थित मूल्य जब जनता को मिलेगा तो काश्तकार इसकी पैदावार भी करेगा। इसके साथ हम लोग ये गरम मसाला बना रहे हैं, यहीं का तेज पत्ता, यहीं का धनिया, यहीं का इसमें तमाम जो चीजें हैं, काली मिर्चें हैं, हमारे बच्चे राम ढोंडियाल जी और तमाम लोग उसको पैदावार यहीं कर रहे हैं चौथान में, तो उन्हीं से लेके हम लोग ये गरम मसाला बना रहे हैं। इसके साथ ये हल्दी पाउडर है, ये नैनी डांडा विकास खंड और ये सल्ट जो मैंने कहा इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, इसकी बहुत ज्यादा पैदावार है और अगर सरकारें सही ढंग से करें तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ चार इंडस्ट्रियां तो ये मसालों की चल सकती है। इसके साथ ये धनिया है और इसके साथ हमने एक हम लोग लून, पिसी लून, तो ये सिलबट्टे में पिसा हुआ है, इसमें मैंने इस समय 9 महिलाएं रखी हैं और जो 9 महिलाओं को हम 200 रुपए रोजाना उनको मानदेय दे रहे हैं और वो महिलाएं 9 बजे से और शाम को 5 बजे तक यहाँ काम कर रही हैं, दिन में खाना वाना उनका यहीं होता है और वो सिलबट्टे में यहाँ नमक पीस रही हैं और बड़े अच्छे स्तर पे, जिसमें कि हम ये लोग चोर एक पहाड़ में एक धनिया की तरह एक पत्ता होता है, बड़ी खुशबू आती है उसकी और पहाड़ के लोग उसे मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं, तो चोर हो गया और हमारा भंगजीरा हो गया, हमारा क्या बोलते हैं जो लाई होती है, दैना बोलते हैं उसको, तो लाई का जो ये लाई है हमने लाई का भी एक नमक बना रखा है। इसके साथ हमने ये वो चोर का नमक बना रखा है, इसके साथ हम 5 प्रकार का इस समय नमक बना रहे हैं और इसको मार्केट में दे रहे हैं, बड़े अच्छे स्तर पर बिक रहा है और 200 रुपए किलो करीब ये नमक बिक जा रहा है।
और ये नागचोला खाल, ये भूंगी धार वाला इलाका है, इसकी ये गैत है वहाँ की, और जिसको कि जैसे मैं अपनी गाड़ियों से खुद माल की डिलीवरी करने जाता हूँ और दुकानों दुकानों में सामान बेचता हूँ, तो उसके बाद जो वहाँ का कच्चा माल है वहाँ के काश्तकार से खरीद के उसके मार्केटिंग करने का काम हम कर रहे हैं। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो लोग हम अपने स्तर से कर रहे हैं। इसके साथ ये जो सीमट का राजना है इसको भी हम ला के वहाँ से और यहाँ ऐसी पैक करवा के ऐसे गाँव गाँव और बाजारों में बिकवा रहे। इसके साथ जैसे ये तोर है, तोर की दाल, ये भी यही लोकल की तोर की दाल है। इसकी पैदावार और अच्छी हो सकती है अगर मार्केट मेरा अपना ये जो मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरा मतलब कोई दाल बेचने का नहीं है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो सरकार दाल बेच रही है, दाल पोषाहार दे रही है, वो लॉरेंस रोड की दाल है। हमारा मानना है कि पहाड़ की दालों को प्रमोट करिए और जो आप इसमें दे रहे हैं उन दालों को बेचिए, तो जिससे पहाड़ के लोगों का होगा और पहाड़ के लोग उसे और पैदावार करेंगे। इसके साथ जैसे लोबिया है, ये भी यही लोकल की लोबिया है। इसके साथ ये मां से रामनगर से लगा हुआ इलाका है पाटकोट, वहां की पाटकोट की जो ये होती है उड़द वो बहुत फेमस है, लेकिन ये हम लोगों तक ही है। उत्तराखंड की सरकारों को बताना चाहिए कि पाटकोट में इतना वो हो रहा है तो ये विश्व स्तर पे जाना चाहिए। जैसे अल्मोड़े की बाल मिठाई है और अल्मोड़े या टेहरी की सिंगोड़ी है और वहां का खोचा मिठाई है चंपावत की, ऐसी हम बोल रहे हैं कि जगह कहाँ जहाँ दाल हो रही है, जहाँ मसाले हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ नैनी डांडा में और ये साल्ट में लखोरी मिर्च हो रही है, तो ये लखोरी मिर्च बड़े स्तर पे जानी चाहिए। इसका नाम मिर्च का ही नाम अलग है, लखोरी मिर्च, तो ये बड़े स्तर पे जानी चाहिए। मेरी सरकार से ये भी मांग है। देखिए, एक चीज हमारे उत्तराखंड में क्या होता है, हमारे किसान किस तरह से पैदावार कर सकता है, और एक रिवर्स प्लान जिससे हो सकता है, मेरा मानना है कि वो लोग जो 15-20-30 हजार की नौकरी दिल्ली में करते हैं वो आ सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि देखिए, ये चीज लाना बहुत आसान है, लेकिन इसकी पेमेंट करना और इसकी पैकिंग करना, इसका प्रोसीजर क्या है, जैसे और भी चीजें हैं यहाँ पे, सॉस है टमाटर का या कोई और चीज भी है, वो भी हम अंदर देखेंगे। इनका जो प्लांट बना हुआ है, किस तरह से मतलब अपने पैसे से प्लांट खरीद के, गवर्नमेंट का उसमें कहीं कोई हाथ नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, कोई मतलब इस तरह का, लेकिन वो प्लांट भी हम देखेंगे किस तरह से प्रोसेसिंग होती, ताकि आपको ये पता लगे कि ये सारा प्रोडक्ट यहीं ही बनता है। अब मैं चाहूंगा मनीष भाई वो प्लांट भी हमें दिखाएंगे। जी, मैं आपको, राज्य 9 नवंबर 2000 को बना और मैं ये प्लांट 1998 से चला रहा हूँ, जबकि आज तक मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार से लेके और राज्य बने 19 साल हो गए। उत्तराखंड की सरकार ने अभी तक मेरी ढूंढ नहीं की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुझे FPO बांटा और FSSAI नंबर मुझे उत्तराखंड की सरकार ने दिया, लेकिन दोनों सरकारों ने, दोनों जगह के उद्योग विभाग ने, दोनों जगह के प्रदेश के मुखियाओं ने, आज तक इस प्रदेश में 9 मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन किसी ने भी ये ढूंढने की कोशिश नहीं की कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के नई डांडा विकास खंड में जो एक उद्योग चल रहा है वो किस हालत में है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सुदूर क्षेत्र में, इस धुमाकोट में और इस डुंगरी गांव में मेरे इस उस पे आई। आज तक कोई वैसा पत्रकार, वैसे न्यूज चैनल नहीं आए हैं, वैसे छोटे मोटे अखबार वाले आए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा कि आप इस पर भी ध्यान दें कि जो ये जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, जो लोग करना चाह रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दें। आपका उद्योग विभाग है कोटद्वार में, आप उसके माध्यम से करवाएं। मैंने उद्योग विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद मतलब वहां की सरकारें। और जो सबसे ये कहने वाली बात यह है कि जैसे दिल्ली में हमारे कौथिक हो रहे हैं, तमाम तरह के बड़े सम्मेलन हो रहे हैं और परेड ग्राउंड में हमारा मेला होता है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मेला, उद्योग विभाग का, तो उनमें हमको कम से कम स्टॉल दिए जाए और फ्री स्टॉल दिए जाए, जिससे हम अपने माल को प्रदर्शित भी कर सकें और यहां से लेकर और दिल्ली NCR तक और दिल्ली चंडीगढ़ बड़े महानगरों में अपने लोगों तक अपना माल भी पहुंचा सके और अपने आय का जरिया भी खोज सके। मैंने इस समय इस प्लांट में 22 लोग रखे हैं और 22 लोगों को इसी अपने साधनों से ही मैं तनख्वाह भी दे रहा हूं और अपना भी भरण पोषण हो रहा है। बहुत अच्छे से मेरा ये प्लांट चल रहा है, 40 से 50 हजार रुपये महीने हम लोग कमा दे रहे हैं। और मैं चाहूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा कि आज 22 लोग हैं, कल वो 200 लोग हों। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इस सुदूर क्षेत्र में आए और सरकार तक मेरी बात पहुंचाएंगे। ये बात बहुत अच्छी कही है सुनील भाई जी ने कि जिस तरह से बॉम्बे में या दिल्ली के अंदर कॉथिक होती है या जो भी होते हैं, वहां जो भी स्टॉल्स हैं वो काफी लेते हैं। जैसे अब कॉथिक की हम बात करते हैं, 25 से 30 हजार रुपए का भी स्टॉल जाता है। अब वो 25 हजार देना और फिर प्रॉफिट कितना हो पाता है, हालांकि पब्लिसिटी का जरिया जरूर हो सकता है वो एक, लेकिन मैं चाहूंगा राजेंद्र चौहान है, जो भी लोग हैं या बॉम्बे में जो लोग मां कॉथी करते हैं या बैंगलोर वाले कर रहे हैं, वो इस तरह के लोगों के लिए
कम से कम वहाँ पर चलो ये अपने साधन से वहाँ ले आए माल, तो स्टॉल फ्री रखें और लिख दें कि भैया ये एक उत्तराखंड का इंडस्ट्री है, यहाँ से सामान खरीदे, इसकी पब्लिसिटी करें, ये भी उनका एक दायित्व बनना चाहिए। लेकिन ये कह के कि हम दिल्ली जैसे शहरों में अपनी रीति रिवाज को बनाए रखें जब प्लान हो रहा है, तो क्योंकि मेन बात यह है कि जब गाँव रहेगा तभी हमारी कला संस्कृति बचेगी। गांव नहीं है तो दिल्ली और बॉम्बे में बैठ के हम कला संस्कृति को नहीं बचा सकते। और स्वरोजगार के लिए अगर वापस प्लान की बात जो करने वाले दिल्ली में बैठे हैं वो इस तरह के उद्योगों को बढ़ावा दे। हम अब देखते हैं मनीष भाई से कि उनकी वो प्लांट हम देखेंगे जिस तरह से प्रोसेसिंग करते हैं। प्लांट ये हमारा फिलर है और इसमें माल पैकिंग से लेकर और भरने तक का होता है। इसके साथ ये हमारा ये भट्टी है जिसमें कि माल प्रोसेस और बनना पकना तमाम, ये मतलब उसका है सॉस, नहीं सॉस हो चीनी का वो बनाना हो, अच्छा कोई भी पाक बनाने के लिए प्रोसेसिंग बनाने के लिए, जैसे आंवले का पल्प करना हो, आपको सॉस पल्प करवाना हो, आपको गाजर कद्दू और जो भी सॉस में सॉस वगैरह में बनता है उसको पल्प करने के लिए पल्पर मशीन है। इसके साथ ढक्कन कॉर्क करेगी और ये जो हमारा सॉस के ऊपर जो ढक्कन लगेगा उसको कॉर करेगी, ये लाइट लगेगी। उसके बाद यहाँ 1 किलो 5 किलो जैसे करो आप, इसे अचार का बीच में जो एल्युमिनियम फाइल होती है उसको पैक करने का होता है। अभी इस चक्की से पीस रहे हैं, लेकिन अब हम इसमें हमने देखा कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा मसालों की पैदावार हो रही है। मिर्चे, ये जो लखोरी मिर्च की मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ी फेमस है और मैं उसे अपने स्तर से जहां तक पहुंचा सकूंगा उसके लिए प्रयासरत हूँ। मैं एक बड़े स्तर पे एक बड़ी चक्की तो नहीं, वो बड़ी उस टंकी मशीन होती है उसको लाने के लिए, मसालों को पीसने के लिए नई मशीन लाने की सोच रहा हूँ। और ये बुरांस का पानी है और पहले इसका पानी निकालने के बाद हम लोग जो इसका लाल रंग का वो बच जाता है उसका हम जेम बना रहे हैं। मैं इसका मिक्स जेम भी आपको दिखाता हूँ। हमारे पास आम के पीस है और 3 साल पुराना आम है, इसमें क्या आप देखेंगे, देखिए तो ये कतई भी मतलब ऐसा गला हुआ नहीं है, बिल्कुल जैसे 3 साल पहले आम था वैसी आम है। तो ऐसी ये सब चीज हमें आउट सीजन में प्रिजर्व करनी पड़ती है, जैसे ये हो गया माल्टे का जूस हो गया, आंवला हो गया, बुरांस, बुरांस भी दिखाता हूँ अभी आपको अंदर। बुरांस एक अचार बना रहे हम तिमला, ये भी बड़ी चीज़, ये हमारे यहाँ का जंगली फल है और ये जंगली फल इस समय कहा जा रहा है, एक अमेरिका की इंस्टीट्यूट ने दिया है कि ये कैंसर के लिए बड़ा लाभकारी है। तो ये तिमले का अचार बना रहे हम लोग और बड़े स्तर पर बिक भी रहा है और ये जंगली फल है जिसको कि हम 500-600 रुपए कुंटल जंगलों से लोगों से मंगवा के पहाड़ में जो नस्ल होता है उसका अचार बना रहे हैं। और गांव से हम लोग इसे 70-80 रुपए खरीद कर और इसे यहीं पैक मतलब प्रोसेस करके और यहीं बेच रहे हैं, तो लोगों को मतलब अपने लहसुन का अपनी कच्ची चीजों का पैसा अच्छे उस पर मिल जा रहा है। और मेरा यही भी मानना है कि फूड प्रोसेसिंग की ऐसी इंडस्ट्रियां अगर छोटी छोटी लगेंगी तो लोगों का कच्चा माल भी बिकेगा और लोगों के काश्तकार और जो जो लोग तमाम बड़े समय से चकबंदी का जो आंदोलन चल रहा है उस वो भी एक इसी में कारगर होगा, क्योंकि आज हमारे मेरा जो ये नैनी डांडा विकास खंड है ये धुमाकोट वाला इलाका है, इसमें हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, अदरक हो गया, लहसुन हो गया और ये झमोरा मंडुआ तो पहले से चलता था, लेकिन ये जो मसालों का जो वो है वो बड़े स्तर पर चलता है। इसके साथ जो यहाँ ये जो ये बहुत गर्म बेल्ट है इस पे आम का बहुत बड़ा है और मैंने एक बार सरकार से कहा भी था कि अगर यहाँ क्या बोलते हैं जो काठी कटेरू और अच्छा आम है, अगर यहाँ का दशहरी आम 10 रुपए किलो नहीं बिकता है सीजन में, अगर उस आम को आप पल्प बनाया जाए तो फ्रूटी वाला आपके पास खुद आएगा। और ऐसे ऐसी 5 इंडस्ट्रियां खाली पल्प बनाने की लग सकती हैं जो कि आम का सिर्फ पल्प बनाए, इस इलाके में इतना ज्यादा आम है। तो मेरा सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां आम हो रहा है वहां जैसे आम का पल्प बनाया जाए, जहां ये लहसुन हो रहा है, अदरक हो रहा है, वहां लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने का प्लांट दिया जाए और ऐसी तमाम तरह की छोटी छोटी कई इंडस्ट्रियां इसी नैनाना ब्लॉक में भी चल सकती हैं। माल्टा और वो निकालने के बाद इसका पल्प निकालने के बाद जो वेस्टेज बच जाता है उसका हम लोग ये जेम बना रहे हैं। अच्छा। और ये मिक्स जेम के नाम से बहुत ज्यादा बिक रहा है। अच्छा। ये बुरांस और जो माल्टा वगैरह है इसका पल्प है और उसका जेम है ये मिक्स जेम। मैं दो बातें यहाँ और कहना चाहूंगा सुधीर भाई के बारे में कि सुधीर भाई ने अभी जो कुछ कहा वो पूरा का पूरा जो नीति है ना वो हिमाचल की बता रहे हैं और हिमाचल इसीलिए डेवलप होता है कि उसने अपने प्रोडक्टों को
फेमस किया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट से ही वो अपना हिमाचल बचा रहा है। दूसरी बात की मैं सुंदरा भाई यहाँ पे बड़े फेमस है, किसी भी आप नैना ब्लॉक में क्या छोटा छोटा खाल पे चले जाओ पूछेंगे, बहुत ही सभ्य आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, हेल्पफुल है। लेकिन बात यहाँ पे हार जाती है वो बेचारे की जब वो चुनाव के लिए खड़े होते हैं। अभी भी जो ये पंचायती चुनाव थे उनमें वो खड़े हुए तो उनका खुद का मानना ही है कि पहले 1200 वोट मिले, फिर 600 वोट मिले, 500 वोट मिले। तो मतलब सभ्य है, यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे रहते हैं, उनके बच्चे खुद यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बावजूद अच्छे होने के बावजूद वो वोटों में रह जाते हैं। भाई प्रतिक्रिया मैं तो यही कहूंगा कि मेरा एक मानना ये भी है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, और कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। अगर लोग जिता देते तो सदन में बोलते, लोगों ने हरा दिया तो सड़क पे कोई नहीं रोक सकता। और इसके साथ ये भी कहूंगा कि मेरे बच्चे खुद प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा पूरा परिवार यहाँ गाँव में रहता है, पूरा परिवार हमारे साथ, मेरे पिताजी हों, मेरी वाइफ हो और तमाम पूरा परिवार हमारा एक तरह का मजदूर है इसमें। और हम जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव दो तरह का चुनाव होता है। एक चुनाव वो होता था कि जब चुनाव होता था और लोग जनप्रतिनिधि बनाते थे, लेकिन आज लोग जो समाज में जो तमाम तरह की कुरीतियां, मेरा मानना तो ये भी है कि गांव में दारू मुर्गा जीत रहा है। नहीं वो बस तो मेरा ये भी मानना है कि ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग गांव में नहीं है, ले हमें जितना भी वोट मिला है वो अच्छे लोगों का वोट है, हमें उतने ही वोट चाहिए, उतने ही लोग चाहिए। और पहले जन है, उसके बाद जब जन रहेगा तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, मैं उससे भी खुश हूँ। बहुत अच्छा लगता है इनकी बातों को सुनने में, और अच्छा लगता है कि पहाड़ में कैसी बात करते हैं। ये थे मनीष सुंदरलाल जी, सुंदरलाल प्रोडक्शन, डूंगरी नीनाना ब्लॉक उत्तराखंड से, और मैं जगमोहन जी क्या वैसे मोटन की सीओ सुंदरलाल के साथ डूंगरी गांव से। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।